हम जब भी बाल्यावस्था से युवावस्था और सारी अवस्थाओं में वृद्धावस्था ऐसे तमाम अवस्थाओं से हर उम्र में, लेकिन हर अवस्था में एक अलग अलग प्रावधान होता है। जैसे कि हम एक कहें कि जिस अवस्था में हमें छात्र जीवन को क्या करें, व्यतीत छात्र जीवन में अपने समय को क्या करना है, और यह जो छात्र जीवन है यह किस प्रकार का जीवन है इसको भी हमको समझना जरूरी है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हम होते हैं एक बुरा कागज होता है, जब जन्म लेता है तो क्या होता है, सादा पेपर बुरा कागज, यानी कि आप अपने इस कास्ट में हिंदी अंग्रेजी भोजपुरी तेलुगु मराठी गुजराती उर्दू तमाम भाषाओं का ज्ञान और उस भाषा का बोध और उस भाषा को बोलने में हम कहाँ से सीखते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा परिवार और हमारे बीच का बीच के बड़े लोग, हमारे घर का समाज, हमारा जो क्षेत्रीय समाज होता है, पहाड़ी समाज होता है, उसी से तो हम कुछ दिन तकदीर को सीखते हैं। जैसे कहा जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या हिंदी भाषा बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, भोजपुरी भाषा भी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश भाषा भी बोलते हैं, कुछ इसी में कुछ ऐसे तबके के लोग होते हैं जो उर्दू भाषा भी बोलते हैं। तो क्या है, हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना। अभी हम यहाँ पे हैं कि अभी यहाँ पे जो टीचर लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, दार्जिलिंग से। वहां पर क्या है, केरल में अधिकांश इंग्लिश भाषा बोली जाती है, इंग्लिश में सभी लोग बात करते हैं। तो जो बच्चा जन्म लेता है और बोलने का प्रयत्न करता है उसी समय से ही इंग्लिश के टूटे टूटे हुए शब्दों का ज्ञान उसको हो जाता है, वह इंग्लिश में बात करता है। यहाँ जब वो लोग आते हैं तो लोगों को हिंदी या भोजपुरी क्या होता है, सीखना होता है, और हम लोग जब वहां जाएंगे तो इंग्लिश हमको क्या करना होगा, सीखना होगा।